हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज का हमारा विषय है, टॉपिक है मैथ्स का बहुपद। ठीक ना, इसके पहले हमने आप लोगों को मैथ्स का जो पहला लेसन एक्सरसाइज होता है उसमें आप लोगों को बताए थे HCF और LCM के बारे में। ठीक ना, HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, लेमा विधि के बारे में बताए थे, उसके बाद से अभाज्य गुणन खंडन विधि के बारे में बता दिया गया था। ठीक ना, साथ ही साथ शांत और अशांत के बारे में भी बता दिया गया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। ठीक ना, बहुपद से संबंधित सारी जानकारी जानेंगे, जैसे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कितने आधार में बांटा गया है, फिर उनके अलग अलग प्रकार को एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि किस बहुपद का कितना शून्यक होता है, शून्यक किसे कहते हैं और किस बहुपद का कितना शून्यक होता है, उसको निकालने का तरीका क्या है, ये पूरा हम आज एकदम शॉर्ट विधि में है ना, शॉर्ट तरीके से हम लोग समझेंगे और कम टाइम में समझेंगे। ठीक ना, देखिए तो बहुपद किसे कहते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहु मीन्स क्या होता है, अनेक। बहु मीन्स क्या होता है, अनेक होता है, अनेक। अनेक मीन्स बहु सारे, अब पद मीन्स पद, यानी कि जिनके अनेकों पद होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक ना, इसमें देखिए बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, ये क्वेश्चन कर बैठते हैं या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। तो देखिए कुछ खास अंतर नहीं होता है, एक माइनर एक अंतर होता है, बहुपद में बराबर के बाएं दाएं नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, बराबर चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन समीकरण में क्या होता है कि बराबर के बाएं दाएं कुछ ना कुछ संख्याएं उपस्थित रहती है, यही एक छोटा सा फर्क है। जैसे मान लीजिए कि अब यहां लीजिए 2x+5 इक्वल में कुछ नहीं है, तो इसको हम सिर्फ बहुपद कहेंगे। अब इक्वल में कुछ आ गया ना, इसे हम क्या कर देंगे, समीकरण कर देंगे, बस फर्क इतना ही। अब सुनिए तो बहुपद किसे कहते हैं, समझ में आ गया, जिनके अनेकों पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद को दो आधार बांटा गया है। ठीक ना, एक बांटा गया पद के आधार पर, एक बांटा गया घात के आधार पर। तो सबसे पहले जानेंगे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ना, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला एक पदी बहुपद, ठीक ना, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जिस बहुपद के पास केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x, 2x, a, a/5, a/3 ये सब क्या है, आपको एक पदी बहुपद हो गया। ठीक ना, अच्छा दूसरा आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, ठीक ना, तो कहिएगा वैसा बहुपद जिनके पास दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि x+1 द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक ना, x²-6 ये भी आपको द्विपदी बहुपद है, क्योंकि पद दो दिख रहा है। x/2+1 ये भी द्विपदी बहुपद है। ठीक ना, या x+y ये भी आपको क्या है, द्विपदी बहुपद ही है। ठीक ना, तीसरा आता है त्रिपदी बहुपद। ठीक ना, त्रिपदी बहुपद किसे करें, कहिएगा वैसे बहुपद जिनके पदों की संख्या तीन हो, ना तीन से कम हो ना बेसी हो, तीन हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे a+b+5 त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक ना, a/2+3b-1 ये भी आपको त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक ना, या फिर x+y+10 ये भी आपको क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। तीन पद दिख रहे इसमें। ठीक, चौथा आएगा है ना चतुष्पदी बहुपद। चतुष्पदी बहुपद, ठीक ना, इसमें कहेंगे वैसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या चार हो उसे चतुष्पदी बहुपद कहते हैं। देखिए a+2y+9x+1 ठीक ना, चार पद है, आप लोग कुछ भी लेटर ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। ठीक ना, अब देखिए यहां पर ले सकते हैं हम लोग है ना 2x/5+4y-7a+7x+1 कर देते हैं। देखिए इसमें चार पद हो या चार से अधिक पद हो उसे चतुष्पदी बहुपद कहते हैं। ठीक ना, तो ये आपको हो गया पद के आधार पर बहुपद की बहुपद के प्रकार। अब आएगा घात के आधार पर, यानी कि पावर के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी को ज्यादा समझना है, इसी से संबंधित शून्य को अगर आएगा जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक ना, तो घात के आधार पर ठीक है बहुपद भी आपको चार प्रकार के ही होते हैं। ठीक ना, पहला सुनिए, जिसको कहते हैं रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। रैखिक बहुपद
या एक घाती बहुपद। कहिएगा आप इसका परिभाषा किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिनके घातों की संख्या एक हो उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे है ना a प्लस फाइव, ठीक ना, x बाई टू माइनस वन, ठीक ना, ये सब आपको क्या हो जाएगा एक एक घाती बहुपद। चूंकि देखिए पावर में कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो ये आपको कहलाएगा एक घाती बहुपद, ठीक ना। सेकेंड आता है द्विघाती बहुपद, इसके नाम से ही सब डेफिनेशन क्लियर हो रहा है, ठीक ना। यानी कहेंगे वैसा बहुपद जिनमें घातों की संख्या दो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, ठीक ना, या एक्स स्क्वायर माइनस नौ, या हम लोग ले सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस सेवन। ये सब क्या है आपको द्विघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद में आते हैं, त्रिघाती बहुपद ठीक है किसे कहते हैं, ठीक ना। कहिएगा कि वैसा बहुपद में घातों की संख्या तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां ले सकते हैं टू एक्स के पावर थ्री प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव, त्रिघाती बहुपद हो गया, या x के पावर थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन, यह भी आपको त्रिघाती बहुपद, या सिंगल ए थ्री भी लिख देंगे a के पावर थ्री, तो भी आपको क्या होगा ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इनमें देखिए पद काउंट नहीं करना है कि कितने पद है, बस काउंट करना है कि सबसे बड़ा पावर कितना है, ठीक ना, सबसे बड़ा पावर कितना है वो चीज है। अब यहाँ पे दो लगा देंगे ना फिर भी ये आपको त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर को देखना होता है, जिसे सबसे बड़ा पावर होगा उतना ही घाती को बहुपद कहलाएगा। और एक चौथा आएगा चतुष्घाती बहुपद, ठीक ना, चतुष्घाती बहुपद किसे कहते हैं। कहिएगा वैसा बहुपद जिनमें घातों की संख्या चार या चार से अधिक हो उसे चतुष्घाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि x के पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स माइनस वन, ठीक ना, या फाइव एक्स के पावर फाइव प्लस सेवन एक्स के पावर थ्री, है ना, प्लस वन, ये भी क्या हो जाएगा आपको, ये सब आपको क्या कहलाएगा, कौन सा घाती, चतुष्घाती। चूंकि सबसे बड़ा पावर देखिए, अब ये मुझे ये सर इसमें पावर तीन है तो त्रिघाती बहुपद भी तो कहलाएगा, नहीं त्रिघाती नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सब एक ही साथ है, इसे सबसे बड़ा पावर को देख लेना है। सबसे बड़ा पावर क्या है, फोर है, इसको कहेंगे चतुष्घाती बहुपद, ठीक ना। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, फाइव है, तो इसको कहेंगे चतुष्घाती बहुपद, ठीक ना। अब इसमें देखिए कुछ क्या आता है, इसका सामान्य रूप आता है। सामान्य रूप कैसा होता है, देखिए रैखिक बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो आपको ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक ना, ये आपको एकघाती बहुपद का सामान्य रूप हो गया। द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक ना। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स के पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसी तरह से करके चतुर्घाती बहुपद का भी रूप दिया जाता है। अब सोच रहे हो सर ये सामान्य रूप आपने क्यों बताया, ये सब क्या है, ये सब सामान्य रूप है, सामान्य रूप। अब इसका काम क्या है, यूज क्या है, तो देखिए जब हम लोग शून्य को अगर निकालेंगे ना, संबंध शून्य को और उनके गुणांकों के सब संबंध जब निकालेंगे, जब हम लोग इसको जब बताएंगे हम, तो वहां पे ये सब सामान्य रूप का होना बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये किसका सामान्य रूप है, रैखिक बहुपद यानी कि एकघाती बहुपद का सामान्य रूप है, एक्स प्लस बी। ये किसका सामान्य रूप है, ये द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप। ये किसका सामान्य रूप है, ये आपको त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप है। अब देखिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे में हम लोग क्या मिलेगा उसको ध्यान से देखिए, ठीक ना। अब देखिए अब एक घाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, थोड़ा समझिएगा। एक घाती बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस बी बताया था, ठीक ना, और द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताया था, ठीक ना, और तीसरा त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है ना। तो देखिए जिसमें जितना पावर होता है उतना ही उसमें शून्यक पाया जाता है। ये ट्रिक समझ लीजिए, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं कि कोई भी बहुपद आपके सामने दिख रहा हो और उस बहुपद में सबसे बड़ा पावर होगा उतना ही क्या होगा उसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए सपोज करिए कि ये एक कोई बहुपद है, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ा और छोटा पावर एक है, इसलिए इसमें शून्यक भी एक होगा। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, इसमें पावर एक है, यहां पर दो है, यहाँ पे दो है ना, सबसे बड़ा पावर दो है, इसलिए शून्य यहाँ पे दो हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है, तीन दिख रहा है, इसलिए शून्य कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ेगा शून्यकों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। अब अगला प्रश्न आएगा कि अगर
एक घाती बहुपद में है ना जी शून्यक एक है, तो उस शून्यक का नाम क्या है? उस शून्यक का नाम है अल्फा। ठीक है, द्विघाती बहुपद में दो शून्यक आता है तो उसका नाम है अल्फा और बीटा। त्रिघाती बहुपद में तीन शून्यक आता है तो उसके शून्यकों का नाम है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं इन दोनों का यानी कि द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद से संबंधित कुछ फॉर्मूला बताएंगे जो कि आपको शून्यकों को निकालने में और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को बताने के लिए आपको कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र दो ही है, पहला सूत्र बता रहे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद का तीन शून्य तीन का फॉर्मूला भी होगा क्योंकि इसमें द्विघात बहुपद में दो शून्य होते हैं, दो फॉर्मूला है, इसमें तीन शून्य करके तीन का फॉर्मूला है। कौन कौन? देखिए पहला फॉर्मूला एक आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, दूसरा आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है, सॉरी सी बाई ए होता है। और तीसरा जो है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए। ये तीन फॉर्मूला आपको मिलेगा जो कि किसका है, ये आपको त्रिघात बहुपद से संबंधित है। ये पांचों फॉर्मूला, ये पांच फॉर्मूला याद कर लीजिए, समझिएगा आपका पूरा बहुपद चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट करके याद कर लेना। ठीक ना, अब देखिए हम शून्यक निकालने को संबंधित हम चलेंगे, शून्यक निकलता कैसे है। ठीक ना, खूब ध्यान से समझिएगा शून्यक कैसे निकलता है। अब देखिए आप लोग तो फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से आप लोगों को फैक्टर तोड़ना तो आ ही गया होगा क्योंकि नाइन्थ क्लास में बता दिएगा फर्स्ट टू लास्ट मेथड से जो है फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है। ठीक ना, मान कैसे निकाला जाता है, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, है ना जी, एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक ना, ये कौन सा बहुपद है तो कहेंगे कि ये द्विघाती बहुपद है यानी कि दो घातों की संख्या से द्विघात बहुपद है, तो शून्य कितना होंगे दो होंगे। अब पूछा जाए कि दोनों शून्यकों को प्राप्त करो, शून्य प्राप्त करें, शून्य किसे कहते हैं इसको समझ लीजिएगा, शून्य किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो। शून्य किसे कहते हैं तो शून्य उस मान को कहते हैं जो मान उस बहुपद को संतुष्ट करती हो, वेरीफाई करती हो, उस मान को शून्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे शून्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे क्योंकि शून्य निकालने जा रहे थे। अब फर्स्ट इनटू लास्ट इसको गुणा करते हैं, गुणा करने पर कितना आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा, बीच वाला जो पद जो बचा फाइव एक्स, इसको दो पदों में तोड़ना, जोड़ने घटाने फाइव एक्स गुणा करने पर सिक्स एक्स स्क्वायर, तो कितना लेंगे फाइव एक्स के बदले लेंगे थ्री एक्स प्लस टू एक्स लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए फाइव एक्स, और इसी को यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्री टू जस्ट सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अर्थात फर्स्ट और लास्ट को जस्ट का दस उतारते हैं और फाइव एक्स का कितना लिखेंगे थ्री एक्स प्लस टू एक्स लिखेंगे। अब चार पद हो गए, तीन पद से बढ़ के कितना हो गया चार पद, लेकिन दो दो पद का जोड़ा लगा दिया। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में एक्स नहीं है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन ले लेंगे प्लस टू, तो ये एक्स बच जाएगा या फिर टू थ्री या सिक्स। ठीक ना, ये दोनों पद सेम हो गया तो एक पद को ले लेंगे और एक्स प्लस टू यहां आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे बारी बारी से जीरो के बराबर कर देंगे, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो सो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक ना, एक हो जाएगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो सो x इक्वल टू माइनस टू। ठीक ना, अब यहां पे देखिए अब x का वैल्यू दो आ रहा है, एक माइनस टू आ रहा है और एक माइनस थ्री आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यही दोनों जो है अल्फा और बीटा का मान है, मतलब दो शून्य है, इसको अल्फा मान लीजिए और तो अल्फा इक्वल टू माइनस थ्री और बीटा इक्वल टू माइनस टू, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ऐसे निकल गया। ठीक ना, ऐसे ही जो संबंधित आपका क्या होगा शून्य निकलेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद वर्कआउट करिएगा। ठीक ना, तो देखिए पहला हम क्वेश्चन दे देते हैं, इसको उतार लीजिए। ठीक ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस यहां कर देते हैं हम, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन। ठीक ना, सेकेंड हम क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, लेटर बदल जाएगा उससे घबराइएगा नहीं, लेटर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी कर देते। ठीक है, अच्छा अब कर देते वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन एक्स प्लस वन हंड्रेड टेन। ठीक ना, पांच क्वेश्चन देते आप लोग वर्क कर लीजिएगा। ठीक ना,
अगला क्वेश्चन हम दे देते हैं एम स्क्वायर प्लस यहां कर देते हैं 15m प्लस यहां कर देते हैं हम 36 है ना, एक लास्ट यहां कर देते हैं पी स्क्वायर प्लस 16m प्लस 16, ठीक ना। अब इसका देखिए ये पांच हमने क्वेश्चन दिया है, इस तरह से बनाने का आप लोग प्रयास करें। देखिए हमने जो है अभी आपको बहुपद से संबंधित इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, ठीक ना। अभी पूरा पूरा नहीं दिया है, अभी हमने आपको शून्यकों के बारे में बताया, शून्यक निकालने को बताया, सिर्फ द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने को ही बताया है, त्रिघात बहुपद का शून्यक हमने नहीं बताया है, जो कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगे तो इस बात को समझा देंगे। अब देखिए अगला क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगला क्लास का हमारा विषय रहेगा कि जो मैथ का जो पूरा फुल टू फुल आपका जो बहुपद से संबंधित जो भी समस्या होगी एनसीईआरटी बुक का मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको वीडियो बना करके हम पोस्ट कर देंगे, ठीक ना। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ये देखिए हम तीन विषय आपको देते जाएंगे, आपको देते जाएंगे टाइम टू टाइम, जिससे होगा देते जाएंगे, फिजिक्स देंगे, केमिस्ट्री देंगे और मैथ देंगे। और प्रयास रहेगा कि इन तीन सब्जेक्ट के अलावा बायो भी देंगे, और बायो के बाद जैसे कि एसएसटी का जो है जैसे कि इकोनॉमिक्स है ना जी, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो जहां तक हमारा प्रयास हो पाएगा हम देंगे। पिछले साल भी हमको कुछ समय मिल पाएगा तो हमने इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया था और ज्योग्राफी का वीडियो बना करके डाले थे, प्रयास करेंगे कि और भी हम बना कर देंगे। साथ ही साथ जो है फिजिक्स का भी हम वीडियो लेकर के बहुत जल्द आएंगे, केमिस्ट्री का भी वीडियो लेकर के बहुत जल्द आएंगे, आप लोग बस जुड़े रहिए। और तहे दिल से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।